हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल एवरीवन। सो मेरे इस चैनल काम नदर ड्रीमर में आप सभी का स्वागत है। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं मेरे ननिहाल का व्लॉग पार्ट टू। ये तो चिलपिल है, ये रेड़ है। रेड़ है ये रेड़ है? नहीं वो चिलपिल है। रेड़ कौन सा है? ये सब। अच्छा ये भी रेड़ी है ना? नहीं ये चिलपिल। वो भी चिलपिल है। ये पूरा चिलपिल का ही पेड़ है। अच्छा ओके। सो देखिए हमारे साथ इतने लोग हैं। सर सो की खेती शर्मा तो जमीनिया जोत गया ना पूरा। वो देखो दोस्तों इतनी ज्यादा ग्रीनरी। सो मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ अपने नानी के घर। एंड चलिए अब यहाँ की सबसे मेन चीज़ देखते हैं, नदी। ठीक है। सो दोस्तों मैं यहाँ पे आ रही हूँ 17 साल बाद। सोचिए कि कितना ज़्यादा बदलाव हो चुका होगा। पापा वो ब्रिज कब बना? पापा पहले नहीं था? मामा वो ब्रिज नहीं था ना पहले? अब बना। देखिए दोस्तों वो ब्रिज कितना ज़्यादा अच्छा ब्रिज बना है यहाँ पे। काफ़ी साल हो गए मैं यहाँ पे। ₹2005 में आई थी एंड अभी काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं। किसी रीज़न से खेती ना होने की वजह से यहाँ पे झाड़ आ गए। देखिए जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एंड इस साइड देखिए काफ़ी वन जैसी फीलिंग आ रही है, बट पहले ये ऐसा नहीं था। इधर भी और थोड़ा इधर भी। तो ये ही देखिए हमारी यहाँ की गोमती नदी है। जैसे कि आप देख सकते हो फिलहाल कितनी गंदी हो गई है ना पापा। पानी जब बहता है तो उसमें मिट्टी का कटाव होता है। नहीं गंदा नहीं था। अरे गंदा नहीं बेटा, इतना गंदा नहीं। मामा ए मामा बड़ा ऊंच हो गया है, पहले इतना ऊंच नहीं था। नहीं पहले नहीं था, ये सब मिट्टी बारिश होते होते ना इधर का हो गया पूरी। रे रे वो देखो लीलगा, देखो उस पार। पानी कहाँ तक आता सुबह कितना ऊपर तक? अय्या तो बहुत कम वाला अब लेते हैं, अब तो यहाँ तक आ जा रहा है। अरे तो पहले सरवा एकदम पानी हाव कुल भर जाता रहा है वो सब। गोमती नदी गहराई बहुत ज़्यादा होती है इनमें। हाँ। अभी भी बहुत ज़्यादा गहरा पानी। हाँ गहरा। बट पापा पहले ना ऐसे पथरा पथरा था ना। अभी बेटा पानी ज्यादा भर गया, पानी नहीं इसके लिए दिख नहीं रहा, अंदर चला गया ना बाहर है। उधर होगा, उधर देखो चप्पल का वो बह रहा है ना, उधर होगा पत्थर। तो देखिए यही है हमारी गोमती नदी एंड यहाँ पे अभी ब्रिज बन गया है एंड आप जैसे कि देख सकते हो काफ़ी अच्छा ब्रिज बना हुआ है एंड दोनों साइड हरा भरा नज़ारा है एंड बीच में से नदी गुजर रही है और वहाँ पे है लील गाय जो कि यहाँ की काफ़ी खेती बर्बाद कर दी है जिसने। सो कुछ है दोस्तों मैं आपको लील गाय की खासियत बता दूँ। हमारे इस गाँव में ना पहले वाटरमेलन तरबूज हर एक चीज़ उगाए जाते थे, पर इनके वजह से सब बंद हो गए क्योंकि ये सब खेती तहस नहस कर देते हैं। चलते हैं अभी पापा। चलो पापा भी अपने ससुरारी आए हैं नदी देखने। तो यही थी हमारे नानी के घर की स्पेशलिटी गोमती नदी। काफ़ी जब मैं दोस्तों 17 साल पहले आई थी तब ये काफ़ी नीचे था, अभी काफ़ी ऊपर आ गया है एंड यहाँ पे उठान भी आ गया मिट्टी के वजह से। और जैसे कि आप देख सकते हो ये अच्छी खासी हरी भरी खेती थी, बट स्टे के कारण यहाँ पे खेती नहीं हो रही है, इसलिए सारी ज़मीनें बंजर होती जा रही हैं क्योंकि सब पेड़ वेड़ सब उग रहे हैं। चलिए ये देखिए आम का पेड़। मामा वो जो पीला पीला छोटा छोटा वो क्या है? महुआ का पेड़ कहाँ है? अच्छा ये सब महुआ का पेड़ है। हाँ आम का पेड़ सरपत ये सब ना पापा? हाँ सरपत सरपत सरपत। सो तो अच्छा था। देखो यहाँ पे भी है कुछ लोग आगे जा रहे हैं। पापा मैं जाऊँ वहाँ पे? सो पत्थर शिप से आए गए थे टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए बट बने नहीं। फिर देखिए
ये मंदिर है पापा। अच्छा मैं जूता पहने ना पे। हनुमान जी है ना। सो ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन रुक गया ना पापा। ये पीपल का पेड़ इतना विशाल। गांव के लोग तो दोस्तों इस गांव में एक महापुरुष व्यक्ति रहते हैं जो गांव वालों की सभी सुख सुविधाओं पे जिसने रोक लगा दी है। और कहते हैं ना पैसा बोलता है और पहुंच बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है और गांव वालों को चाहिए कि वो अपने परिवार के साथ दो वक्त की रोटी खा के चैन की नींद सोए, इसलिए कोई इस मसले में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता। वहाँ पे लोग बैठे थे तो पापा ने काफ़ी डेप्थ में बात की, बट मैं आपसे शेयर नहीं करना चाहूँगी, रीज़न ये ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा। ठीक है बट समझ लीजिए अपना सबका यहाँ पे एक अलग ही सिनेरियो चल रहा है, बहुत गंदा कंट्रोवर्सी चल रहा है। इसके लिए लोगों को खेती करने नहीं मिल रही है एंड यहाँ पे मंदिर भी बेचारे ऐसे ही पड़े हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ऐसे बांस गाड़ा है और यहीं पे इसकी पूजा होती है। वहाँ का कंस्ट्रक्शन रुक गया हुआ है। सो मामा ये सब खेती थी ना सब रुक गई है ना। यहाँ पे स्टे की वजह से जैसे कि आप देख सकते हो पूरा गांव जो है, हम गोस्वामी समाज गिरी समाज के जो लोग हैं उनका पूरा खेती बंद कर दिया हुआ है गया किसी रीज़न से। सो इसके वजह से ना ही यहाँ पे कोई कुछ अपनी खेती इस्तेमाल कर रहा है ना ही कुछ कर पा रहा है। तो इसी के वजह से लोगों के यहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं, बट होप सो वी कैन हेल्प देम। देखो दोस्तों जो दूसरे कास्ट के लोग हैं उनकी जो जमीनें हैं वो सब छोड़ी गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ पे दिखाना। बट किसी रीजन से दूसरे कास्ट की जो जमीन है उसे रद्द कर दिया गया, वो स्टे पे चला गया, इसलिए कोई खेती नहीं कर पा रहा है लाइक 6 साल से। इसीलिए ये इलाका काफ़ी ज़्यादा जंगली हो गया है। बट ऐसा नहीं था, इफ पॉसिबल मैं कभी आना मेरा ज़िंदगी में दोबारा होता है तो ज़रूर मैं आपको इसकी ग्रीनरी एंड एग्रीकल्चर कितनी सुंदर होती है वो दिखाने की कोशिश करूंगी। तब तक देखिए अरे नो दोस्तों ये कौन सा पेड़ है अगर आपको पता चले तो मुझे बताइएगा, वैसे तो मैं अपने पापा से पूछ लूँगी। ये चोर है। अच्छा चोर है। हाँ अच्छा अच्छा ओके ओके चलो। एंड देखिए हमारे सामने लोग वहाँ पे चले गए हैं, चलो हम भी भागते हैं। वो पराग दीदी के बाल में कितने चोर चिपका था। तो चोर दोस्तों हम बात कर रहे थे ना, मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए ये होता है चोर, देख सकते हो अगर आप इसका पेड़ तो यही चोर होता है। ये लोग बच्चे ऐसे ही खेलते हैं, एक दूसरे के कपड़े में शरीर में चिपका देते हैं ताकि उनको तकलीफ हो, ऐसे ही खेलते हैं। हम पहुंच गए, देखिए पेड़ वीड़ सब। आ जाओ पर सब गाड़ी में रेडी हो रहे हैं, वहाँ पे मिलन हो रहा है, यहाँ पे भाभी पैकिंग कर रही है। मैं भी रेडी हो रही हूँ, हम करण का वेट कर रहे हैं वो आ जाए ताकि उसको भी फाइनल बाय बोल के चले। बुआ ये गलत बात है, देखो जैसे आप कर रही वैसे मेरी सोना कर रही है, ऐसे नहीं करने का। कुलदीप
खुल गई तो सुना। अरे अरे मोरी मैं इसको तो धोया ही नहीं, इस मामा हमारे लिए गन्ना लाने गए थे। मामी ने गन्ने तो हमें दे दिए खुशी में, पर वो गन्ने गाड़ी में नहीं जा रहे थे, इसलिए ऐसा डिसाइड हुआ कि चलो उसको काट देते हैं तो शायद वो लेंथ छोटी होने के बाद जाए। एंड फिर सब लोग उसी में जुट गए, जैसे कि आप देख सकते हो जेंट्स पार्टी यही सब कर रहे हैं। एंड मैं आपको अपनी मामी से मिलाती हूँ, चलिए जो लजाती बहुत है। ये देखिए यहाँ पे विदाई चल रही है, और जैसे कि हमारे संस्कार जब कोई हमसे विदा लेता है तब उनके चरण स्पर्श ज़रूर करते हैं, सो यहाँ पे वही हो रहा है, ये लोग उसी में टाइम लगा रहे हैं, हमें मंदिर जाने के लिए लेट हो रहा है। चलो मामी बाय, देख लो बस, देखो बेटे सब दुल्हन बन बैठे हैं। चलो बाय मामी, दो तीन दिन के बाद मिलेंगे। हाँ और नहीं आई ना देख लेना ट्विटर नाम रख। और अब हम मंदिर के लिए रवाना हो गए, अपने सबको बाय कह दिया। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है जब किसी अपनों से मिलो, वो भी इतने सालों बाद। चलिए देखते हैं अब कब उनसे भेंट होगी, चलिए अपने दूसरे सफर की ओर चलते हैं अभी। सब शीतल देवी के धाम पहुँच गए, देखो बुआ एंड पापा छोटे। तो यहीं पे है हमारा चौकीन देवी, देखिए गली हमारी। हाँ राइट राइट। तो यहाँ पे पापा ने सबके लिए चढ़ावा लिया, हम सभी के लिए। एंड देन उसके बाद मेरी नज़र गई चूड़ियों पे। दोस्तों यहाँ की खासियत ऐसी होती है ना यहाँ पे, मतलब सभी देवी देवताओं की, कि यहाँ पे चूड़ियों का कलेक्शन इतना अच्छा रहता है ना कि क्या ही बताना। तो दोस्तों हम मंदिर के रास्ते चल पड़े अब। और दोस्तों जैसे कि हम ना लेट हो गए थे, लगभग 11 बजे के आसपास पहुँचे, तो हमें डर भी था कि कहीं ज़्यादा रश ना हो तो हमें दर्शन के लिए काफ़ी लेट हो जाएगा, बट लकीली ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छे से दर्शन हो गया, और जैसे थोड़ा खाली भी मिला, जैसे कि आप देख सकते हो ये एंट्री गेट है हमारा चौकियन देवी माता का, जैसे कि आप देख सकते हो जौनपुर में है। तो चलिए अंदर चलते हैं एंड मैं आपको यहाँ पे पूरा दर्शन बताती हूँ, यहाँ तक कि मंदिर के अंदर तक का। यहाँ पे कोई ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं था, जिसकी वजह से मुझे अच्छा भी लगा। सो काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गया, तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी अच्छे से दर्शन कीजिए। हम देखिए अभी लाइन में लगे हुए हैं, जैसे ज़्यादा नहीं था, जो भी 8-9 लोगों के पीछे ही हम थे। एंड अब जाएंगे अंदर की ओर। तो हमारा दर्शन बहुत अच्छे से हो गया, जैसे कि आपने देखा। तो हम मंदिर के बाहर आ गए, हमने पंडा से भी आशीर्वाद ले लिया। एंड अब हम जा रहे हैं उसी मंदिर में, एक श्री सत्यनारायण जी का मंदिर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे पूजा की।
तो हमारा दर्शन अभी अच्छे तरीके से हो गया। तो ये देखिए यहाँ का तालाब, इस तालाब का भी अपना इतिहास है, ठीक है। तो हम फिर कभी इस इतिहास पे चर्चा करेंगे, बट यस ये देखिए यहाँ पे लोग आते हैं अपना नहाते हैं एंड उसके बाद दर्शन करते हैं। और तो हम निकल पड़े एंड देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने देखा ये थोड़ा गांव में जैसे होता है ना भूत उतारा जा रहा था, तो जी हाँ यहाँ पे ऐसे हो रहे थे। तो हम खिसक लिए दिन हम आ गए बाहर एंड थोड़ा हमने फ़ोटो सेशन की, उसके बाद शुरू हुई हमारी शॉपिंग। हमने आके फटाफट अपने जो भी लिए थे सब दे दिए। अरे पीछे एक टोकरी आपके पीछे, भूल गया अच्छा आवाज। नहीं नहीं पापा, अरे चलो आवाज जो जल्दी फटाफट पैसा दिया आपको, ये पुलवा डाल दूंगा। मैं वहां पे बैठ के रहा काम में था। हां काम में थे, तो ये देखिए मैंने सुना के लिए लिया चौका बेलना और हमारी गाड़ी पहुंच गई यहाँ पे। ये देखिए गंगा नदी की तरफ ही, तो ये गंगा नदी पे ब्रिज है जहाँ से आने जाने का रास्ता है। सो यहाँ से हमारी गंगा नदी दिख रही है, बट शायद आपको अच्छे से नहीं दिख पा रही होगी। तो काफ़ी लेट हो गया था तो हमने सोचा कि चलो कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे रुके हम, हमारा घर यहाँ से थोड़ी देरी दूरी पे है, तो यहाँ पे हमने जलेबी और समोसा खाया एंड यहाँ पे भी सुना सो रही है और हम फटाफट खा के निकल गए अपने घर के लिए। तो चलो चलते हैं घर तक, पहुँचने का आपको हरा भरा नज़ारा दिखाते हैं। एंड ये पता नहीं दोस्तों इतना लंबा सा क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा था, हमें इसका कुछ आइडिया नहीं था। तो चलिए खेती दिखाते हैं। हम लोग जैसे ही आए घर पे शीतलन देवी से घर पे, उसके बाद सब रेस्ट मोड पे चले गए और मैं खास करके मैं सुनक साथ सो गई। सो यही इतना ही हमारा व्लॉग था। होप सो आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा। एक्चुअली ज़्यादा डेप्थ में हम वीडियो नहीं बना सके, रीज़न ये था कि तो काफ़ी जल्दी थी हमें, तो इसलिए फटाफट सामान लिए और निकल गए। बट जितना भी वीडियो बना हो, होप सो आपको इतना अच्छा लगा। सो मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड यस बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मेरे वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन आए ना फटाफट देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। फिर शाम हुई एंड बाबू आ गए एंड देन सोना और बाबू की थोड़ा मस्ती हो रही थी एंड हम सब इंटरटेन हो रहे थे।